मुक्का मुमरठ नाउ सुबेदार तानाजी मालुसरे दिला दे घर। तुम्हें बच्चा चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स चाहिए, पर ऐसे नहीं कि बेडरूम में जाते हो ऐसा लगे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के ले जा रहा हूँ। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं तानहाजी के ट्रेलर के बारे में और उसका कंपेयर होगा गुड न्यूज के ऑफिशियल ट्रेलर से। दोनों ही दमदार एक्टर अक्षय कुमार अजय देवगन जो इंडस्ट्री में 100+ मूवीज करने जा रहे हैं। अजय देवगन की जहां तानहाजी 100वीं फिल्म है, वहीं अक्षय कुमार 140 से ऊपर फिल्में कर चुके हैं। अब दोस्तों कंपेयर करेंगे क्या गुड न्यूज का ट्रेलर दर्शकों ने ज्यादा बार देखा या फिर तानहाजी का ज्यादा ट्रेलर किसने ट्रेंड किया और कौन रहा ट्रेलर में उस्ताद, क्योंकि दोस्तों ट्रेलर एक दिन बात करके ही आया था जहां पे गुड न्यूज का ट्रेलर 18 नवंबर तो तानहाजी का ट्रेलर 19 नवंबर को रिलीज हुआ था। एक दिन के अंतराल में दोनों ट्रेलर आए लेकिन गुड न्यूज ने मैदान मार लिया। जी हां दोस्तों, तानहाजी जैसी बहुत ही बड़े बजट की फिल्म को गुड न्यूज के ट्रेलर ने, जो कि छोटे बजट की फिल्म है, हरा दिया है काफी आसानी से। आइए नजर डालते हैं गुड न्यूज के ट्रेलर के आंकड़ों पर, फिर बात करेंगे उसके कंपेयर में तानहाजी के ट्रेलर के आंकड़ों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तानहाजी का ट्रेलर जो कि दोस्तों 19 नवंबर को रिलीज हुआ, जिसको 2 दिन लगभग पूरे हो गए हैं और इस ट्रेलर ने दोस्तों 34 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए हैं इस अंतराल में। और दोस्तों लाइक की बात करें तो इसके ट्रेलर ने 887 के यानी कि 887,000 लाइक हासिल किए हैं। अभी इसको 3 दिन पूरे हो चुके हैं, 3 दिन में 34 मिलियन व्यूज वाकई में दमदार है, लेकिन शायद गुड न्यूज से कम। जी हाँ दोस्तों, गुड न्यूज ने 3 ही दिन के अंदर 45 मिलियन से ऊपर व्यूज हासिल कर लिए थे। अब उसके लगभग 50 मिलियन व्यू हो चुके हैं 4 दिन के अंदर और 1.1 मिलियन लाइक्स। और जबकि दोस्तों गुड न्यूज के ट्रेलर में काफी खास बात यह रही कि इसमें अक्षय कुमार के अलावा दिलजीत दोसांझ ने भी दिल देता, साथ ही साथ करीना कपूर ने भी इसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। दोस्तों तानहाजी के अंदर अजय देवगन खूब दमदार लग रहे हैं लेकिन ट्रेलर के मामले में अक्षय ने फिलहाल तो हरा दिया है। खैर देखना होगा कि ये दोनों फिल्में जो कि 13 दिन के अंतराल में रिलीज हो रही है, बॉक्स ऑफिस पे कौन मैदान मारता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और सब्सक्राइब करें देखो देखो और भी खबर जानने के लिए।